क्रिप्टो करेंसी को सरकार ने किया स्वीकार, कंपनियों को देना होगा हर लेन देन का हिसाब। लंबे समय से क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता दी जाए या उस पर प्रतिबंध लगाए जाए की बहस चल रही थी, लेकिन इस दिशा में सरकार ने एक सकारात्मक पहल करते हुए कंपनियों के लिए क्रिप्टो करेंसी में किए जाने वाले उनके हर लेन देन और निवेश की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। अकाउंटिंग का हिस्सा बनी क्रिप्टो करेंसी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों के लिए एक वित्त वर्ष में कंपनियों द्वारा क्रिप्टो करेंसी में किए जाने वाले लेन देन और निवेश की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। इसे एक तरह से क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अकाउंटिंग का हिस्सा बनने के बाद कर नियमों में भी क्रिप्टो करेंसी को जगह मिलेगी, निवेशकों को होगी आसानी। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइटेक्स के संस्थापक और CEO मुनार्क मोदी का कहना है कि अकाउंटिंग का हिस्सा बनाए जाने के बाद निश्चित तौर पर इससे निवेशकों को आसानी होगी। ये दिखाता है कि भारत दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेशन के दायरे में लाने से निवेशकों के अंदर सुरक्षा का भाव बढ़ेगा, काले धन को कम करेगा। शार्दुल अमरचंद मंगलदास इन कंपनी में पार्टनर जीवी आनंद भूषण का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को अकाउंटिंग का हिस्सा बनाने के इस माध्यम से होने वाली अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी, काले धन की जमाखोरी रुकेगी, साथ ही कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में भी मदद मिलेगी। कर नियम थोड़ा स्पष्ट करने की जरूरत। इंडस लॉ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रितेश कुमार का कहना है कि देश में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर होने वाला लाभ कर के दायरे में आता है, लेकिन इस लाभ से होने वाली आय पर कर कैसे लगाया जा सके, सरकार इसे कैपिटल गेन की तरह देखती है, जबकि असल में ये कैपिटल एसेट्स है, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी धारक बहुत जल्दी इनका लेन देन नहीं करता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।